बट कमिंग टू द पॉइंट कि जिस तरह से बानी पीटीआई ने रिस्पॉन्ड किया है इस गिरफ्तारी को, वो कहते हैं कि ये फौज का इंटरनल मामला है और हमारा उनसे एक प्रोफेशनल ताल्लुक था, कोई सियासत नहीं हो रही थी। सो डू यू अग्री कि जो बानी पीटीआई कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं? मैं क्या कमेंट करूं बानी पीटीआई, जाने तो जाने, ना जाने तो ना जाने, गोली ना जाने, बात तो सारा जाने है। अब मैंने क्या इसमें कौन सी ढकी छुपी बात है? मैंने ये बानी पीटीआई साहब फरमा रहे हैं जी कि बाजवा साहब जो थे वो न्यूट्रल है, तो जानवर है, गद्दार है, मीर जाफर है, मीर कासिम है, और इधर अक्टूबर सितंबर अक्टूबर आती है तो बाजवा साहब से मिन्नत तल्ले करके तीन मुलाकातें करते हैं। वो बड़ा मुझे ये बात में कहीं और टीवी पे कह दूंगा, मुझे जनरल तारिक अली साहब ने बताई, बाजवा साहब बड़ा इंसल्टिंग था और उनके साथ और उनका बहुत ही उनकी तजीक की, उनका आपको शर्म आनी चाहिए मुझसे मुलाकात करते हुए, आप मुझे गद्दार कह रहे हो, मीर जाफर कह रहे हो, और फिर यही बाजवा साहब के बारे में कहा जिसको मैं एक्सटेंशन देना चाहता हूं। कब का इजलास से निकलने के बाद? सितंबर अक्टूबर के अंदर। ये तो पाकिस्तान के अंदर ये जो है ना है कवाके कुछ नजर आते हैं कुछ, ये बस ठीक है जैसे जैसी तैसी है, हमारी बदकिस्मती है कि लोगों के पास फॉलोइंग है, इनके पास सपोर्ट है, ये इनका झूठ भी सच है, हमारा सच भी कोई सुनने पर तैयार। और क्या इसमें क्या है कि बानी पीटीए को तो मैंने कि मैं फैज अमीर के करतूत जब सामने आएंगे तो फिर वो क्या करेंगे? ये फर्क होगी तो इल्जाम लगे थे तो बानी पीटीआई साहब फरमा दिया बेचारी फर्क होगी, उसका नाम क्यों लेते हो? अब नाम लेने फर्क होगी का किसका, मतलब कौन सा काम है कि जिसके इसे काजी फैज जी मैंने नहीं किया जी, किसने किया जी? फैज अमीर ने किया, खुद कह चुके हैं कि फैज अमीर मुझे नंबर गिन के गेम करता था, मेरे लिए बजट पास करवाना होता था तो जनरल जो है बंदे इकट्ठे करते थे। कौन कौन सी चीज है? एक एक जो बानी पीटीए का एक एक दिन वजीर आजम बनने का उसके बाद का कोई गवाही देता है? यही 2022 में निकले तो ये तो कभी वो बेचारी जरूरत नहीं करती हमारी जो दोस्त है मरियम और जेब साहबा, और वो फरमा रही है जी कि ये पिशावर का कोर कमांडर ये करा सपोर्ट करा रहा है। तो मैंने कॉल किया, मैंने कहा बीबी ये किसने आपको बता दिया? मुझे तो आपकी जो जरूरत है उस पर मैं फर्क कर सकता हूं। तो ये सारे उसे फिर उसके बाद उनको इतनी स्ट्रांग कोर दे दी भावलपुर की, वहां से वो एक्ट करते रहे। अब असल ये है कि देखना ही है, मेरे लिए तो सिर्फ दूसरों में जो है इंटरेस्ट है वो ये है कि 9 मई के अंदर कितना रोल है जनरल फैज अमीर का, और अगर ये कंफर्म हो गया तो मेरा ख्याल है कि फैज अमीर इस जानवे और इमरान खान साहब भी जो है कम अज कम फौज के तो जो जैसो पीज है उसमें नहीं बच सकता। बाकी जो है ये बदकिस्मती होगी पाकिस्तान में जो इंतहाई किस्म के जो सजाएं जो है किसी को दी जाए, लेकिन अगर 9 मई के अंदर है तो फैज अमीर खिलाफ नहीं बढ़ सकता। आप देख लेंगे कि ये फायरिंग स्क्वाड के अंदर आगे जाएगा, वो हाथ ही ना डालते। इसलिए मेरा अपना ख्याल है, मैं जब हाइंड साइड में पीछे देखता हूं तो मैं देखता हूं कि जब उसको छोड़ रहे थे, जब हम बहुत आड़े हाथों लेने की कोशिश कर रहे थे कि इन्होंने क्यों छोड़ दिया, ये कमीशन बना है तो कहते हैं कोई कसूर नहीं है, नैब ने कहा जी केस ही बनता। तो मेरा ख्याल है कि वो फौज ने यही कहा हुआ कि ये हमारा मामला है, हमारा माल है, हम इसे निपट लेंगे। तो उनके जेहन में हमेशा से ये दिन था जिसको हमने कल जो है तलू होते देखा और फैज अमीर को हमने गरूब होते देखा। सर बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया सर, और आपके वेरी हमेशा ऑलवेज बोल्ड एंड ब्रेव कमेंट्स होते हैं सर। ये अगेन जो आपने सारी बातें की, हम सबको पता है कि खान साहब का कितना करीबी तल्लुक था, और खान साहब ने खुद भी कई दफ़ा इंटरव्यूज़ में कहा जी मुझे तो जुलाई में पता चल गया था 2021 में कि मेरे खिलाफ तरीके अदम एतमाद आने वाली है और मुझे जनरल फैज इसलिए भी चाहिए थे ताकि वो इसको रोक सकें, और कभी उन्होंने इस बात को छुपाया भी नहीं है। फेयर इनफ, तो आप क्या समझते हैं खान साहब को जो ओनरशिप देनी चाहिए थी जनरल फैज साहब के तमाम एक्ट्स ऑफ अमिशन एंड कमीशन की, क्योंकि मोस्टली जो उसमें बेनिफिशरीज थे
वो तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी थी, जनाब फैज तो कह सकते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर के आर्डर्स पे सारे काम कर रहा था। अब ISI क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के नीचे है, जो भुट्टो साहब करके गए थे 1975 में, उसका एक सियासी विंग खोला था उन्होंने ISI में, जिसका मकसद यही था कि अपोजिशन के लोगों पर ISI वो करेगी, उन पर एस्पिनाज करेगी, फिक्स वट एवर, तो वो तो आज ये कह सकते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया प्राइम मिनिस्टर के कहने पर कर रहा था। तो ये खान साहब से आप क्या तवक्को रखते हैं, नोइंग हिम, कि उन्हें आज ये ओनरशिप देनी चाहिए थी या चुप रहना चाहिए था, नो कमेंट्स करने चाहिए थे, या जो उन्होंने डिसोन किया, अभी मेरा क्या तलुक है, ये काम फौज जाने और जनरल फैज जाने, ये तो अंदरूनी काम है, तो खान साहब ने उनको ओनरशिप नहीं दी, आप क्या एडवाइस करते हैं कि आज उन्हें क्या कहना चाहिए था, उन्होंने ठीक किया है या गलत किया है ये ओनरशिप ना दे के? बात यह कि जाहिर है कि एक मैं हमेशा बात बताऊं कि आप कभी भी वक्त से पहले मीडिया के सामने मुंह ना खोले। ये मैंने हर बंदे को देखा है कि आपको जो है ना एवेंचुअली ये आप दिलियो खार हो जाते हैं, ये अल्फाज आपको हमेशा भारी पड़ते हैं, अकल का तकाजा ही होता है ये कुछ दिन आप इस पर खामोशी तैयार के रखें। वह क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने कोई खान साहब से कोई गवाही लेनी अभी? उन्होंने तो कहा ही नहीं कि हमें खान साहब के लिए पकड़े। खाम खास बजारा भाई जर्नल से सवाल किया होगा खान साहब से, उन्हें जवाब दे दिया होगा। बाकी जो है कि डेफिनेटली जैसे आपने कहा है उनको खामोश रहने चाहिए, तो क्या फर्क पड़ता है, हर बार कोई जवाब देना जरूरी होता है। मैं तो अपना, मैं खुद मीडिया का आदमी हूं, लेकिन मीडिया के आगे जब जाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि जितना कम बोल के निकल जाऊं, क्योंकि हर चीज पे जो है वो आपका फिर आपके सामने जो है जिसको कहने के नक्श होकर सामने आती है। ताकि ये कि इमरान खान साहब जो हैं ये बात किस कैफियत में करते हैं, अगर आप मुझे ये पूछें और मेरा मुझे आप अगर इसलिए मुझे ये सवाल कर रहे हैं कि हो सकता है कि मैं खान साहब के जो दिमाग है उसको पढ़ने की अहमियत बहरहाल अपनी इस्तेदाद के मुताबिक और इस्तेदाद के मुताबिक रखता हूं, तो खान साहब के जहन में सिर्फ ये आ रहा होगा कि मैंने इसको फौरन करना है ताकि ये जो जिसकी हमारी सरकार है तो ये चला जाए, ये बात है ही नहीं। अभी तो उन्होंने पता नहीं वो कहां से आना चाहते हैं। आप देखें कि जब जो लोग फैसले को पकड़ के ले गए हैं वो जब तक अपने कार्ड शो नहीं करते, उन्होंने देखो कितना बिगेस्ट स्टेटमेंट दिया है, और जो ISPR को मुझे कल फौरन आया, मुझे तो ISPR की तरफ से अभी प्रेस में नहीं आया था, तो उन्होंने मुझे टेक्स किया कि ये होने वाला है या ये हो रहा है या ये हो चुका है, तो मेरे जहन में फौरन ही आया कि जिसके अंदर ये टॉप सिटी और ये जो लिखा आपने पढ़ा होगा ISPR का जो प्रेस रिलीज थी, तो उसमें कहा थी कि ये टॉप सिटी है उसके ऊपर। मैं तब ही समझ गया था कि भाई ये हमारे जितने इदारे हैं ये हमें लगा देता है ट्रक की बत्ती के बीच, हम अमृतसर की चल पड़ते हैं और ये खुद बैठे होते हैं कि और पकड़ के आओ जाए, हमारी सारी तवज्जो उठाने चाहते होंगे फैज अमीन की, उनके फ्रिज में जो जीता चाहती है। मैं उससे ही मुझे अंदाजा हो गया कि फैज अमीन का ये बहुत बुरा हश्र करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं ये वक्त बताएगा, क्योंकि वो जब पकड़ेंगे तो अब वो किसी मिसाल बना देंगे सबके लिए, अगर ऐसी दुनिया का काम करिए। ये इमरान खान के लिए कोई अच्छे ऑप्टिक्स नहीं है, या तो 2.5 साल जो है पिछले 2018 से लेके जैसे उन्होंने DGC के हैसियत से काम किया, फिर DGI के हैसियत से काम किया, फिर कोर कमांडर की हैसियत से पिशावर बावलपुर के हैसियत से काम किया, फिर रिटायरमेंट के बाद जैसे लिखे रहे। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जो मेरा ख्याल था कि मैं अपने कॉलम में लिखूंगा सर, और मैं नाम अभी नहीं बताता हूँ, वो मैं अपने के लिए रख लेता हूँ। 22 नवम्बर को हमारे दोस्त हैं और टॉप के जर्नलिस्ट हैं, वो बाजवा साहब के पास बैठे खाना खा रहे हैं, बाजवा साहब खुद ही बुला, बड़ा शौक होता है अपने 2022 की बात कर, ये 20 नवंबर 2022 की बात कर रहे हैं आप? ये 2022 रिटायरमेंट जनरल उनका फोन आ गया जनरल फैज अमीर का, जनरल बाजवा साहब खुले स्पीकर खोल खाना भी खा रहे थे, स्पीकर खोल से बात करनी शुरू कर दी।